विनोदिनी यूट्यूबर बोल रहे हैं, अलीगंज से यात्रा कर रहे हैं स्कॉर्पियो पर। कुछ लोग हैं मोदी के बारे में जो चर्चा हो रहा है, हम पूछना चाहेंगे पगरी वरामा के विनोद कुमार तमरकार जी से। ये बता सकते हैं विनोद जी कि आपके लिए मोदी कैसे हैं? इंडिया इज ग्रेट लीडर जी, भारत के लिए सर्वोच्च लीडर के रूप में जाने जाते हैं। और अभी कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में, ये देश के लिए आन बान शान और मान स्वाभिमान के लिए ये काफ़ी चर्चित के रूप में जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के नहीं, पूरी ग्लोबल के लिए जाने जाते हैं मोदी जी। और मोदी आज देश के लिए ही नहीं, सभी बच्चे की जुबान पर है, और जुबान ही नहीं, दिल पे भी है, राज कर रहे हैं। और जो राज जो देश को संचालक और चला रहे हैं, इनसे सभी जनता मन मुद्र से खुश हैं। ये बताइएगा कि अब तक जो पूरे भारत में प्रधानमंत्री बना है उससे कैसे है? उससे भिन्न है, अच्छे हैं कि उससे अच्छे हैं कि लो में? उससे सर्वोच्च अच्छे हैं, आप कहना अच्छे हैं। ये बताइए कि जो है भारत के हाल में इनका जो है असर क्या है मोदी का? क्या तो पूरी विश्व के बारे में बता दें कि विश्व में अच्छा इनका है, लेकिन भारत पर इसका क्या असर मोदी जी का? क्या चीज़ में? या मैंने कार्यकाल में जो कर रहे हैं, ये सराहनीय काम है, या मैंने कुछ क्या कमी है, या ये जो समाज के अंदर क्या जो कर रहे हैं, जो उसका नाम ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं नाम भी ले रहे हैं, क्या कारण इसमें? विरोधी तो अच्छा काम कभी नहीं नाम लेंगे जी, लेकिन जो शिक्षित हैं, जानकार हैं, जो देश के बारे में जानते हैं, देश से प्रेम करते हैं, वो उनके लिए अच्छे हैं। जो देश के लिए बुराई सोचते हैं, जो देश से भिन्न हैं, विरोधी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बुरे हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छे बात बता रहे हैं। हमारे भी जो है प्रकाश जी कादिरगंज के हैं, प्रकाश जी कादिरगंज के हैं, दो बात आप बताइए कि आप मोदी कैसे हैं? भारत की जनता की सौभाग्य है कि मोदी ऐसा विद्वान और दुर्लभ राजनेता पैदा होकर सुनसीब होकर उनको देख रहे हैं। इनके कार्यकाल में देश अंतर्देशीय विदेशी कूटनीतिक क्षेत्र में भारत का सर ऊंचा किए हैं, जो आज तक पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री नहीं कर सके। गरीब वर्ग के लिए, उत्थान के लिए कई योजनाएं मोदी जी ने देश को दिए, जनता को समर्पित किए, जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो, कृषि निधि सम्मान की बात आती हो, ये पहली बार हुआ है, फसल बीमा में बढ़ोतरी की है, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की है, इंदिरा आवास में बढ़ोतरी की है, ये बहुत सारे काम किए। विदेश के मामले में सीना तान के, खास करके चाइना से जो हम डूब के भरे हुए थे, हमारे सब प्रधानमंत्री इसके पहले तूती भी नहीं थोकते थे, आज ये शाम से बाघ जैसा गरज के दिखाते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं जो पहले था, अब एक नया भारत दुनिया के सामने है, जो दुनिया को खिला सकता है, दुनिया को न्याय से रक्षा दिला सकता है, वो मोदी के बदौलत हुआ है।